बिजनौर जो भारत के उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्राचीन व ऐतिहासिक जिला है। जिले का प्रशासनिक मुख्यालय बिजनौर शहर में स्थित है। बिजनौर जिला मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। यह जिला अपने चमड़ा के उद्योग के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। जिले की कर्म भूमि पर महाराजा दुष्यंत, प्रतापी सम्राट भरत, परम ऋषि कांड और महात्मा विदुर की कर्म भूमि का गौरव भी प्राप्त है। दोस्तों, बिजनौर जिले की स्थिति की बात करें तो यह जिला उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी भाग में पवित्र नदी गंगा के किनारे बसा हुआ है। बिजनौर जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से अपनी सीमाएं टच करता है, जिसमें शामिल मेरठ जिला, मुजफ्फरनगर जिला, अमरोहा जिला और मुरादाबाद जिला है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य की सीमा से सटा हुआ है। जिले की प्रमुख नदी गंगा के किनारे बसा बिजनौर शहर राज्य की राजधानी यानी लखनऊ से 475 किलोमीटर, वहीं देश की राजधानी नई दिल्ली से 186 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, बिजनौर जिले के इतिहास पर नजर डालें तो मध्यकालीन इतिहास में इस स्थान पर अकबर का राज्य हुआ करता था। बिजनौर जिला आज भी कई रियासतों का उत्थान और पतन की गवाही देता है। बिजनौर जिले में मौजूद निजामाबाद, जिसको निजामुद्दीन दौला ने बसाया था, जो एक प्रसिद्ध मुगल शासक था जिसने पत्थरगढ़ के किले को अपनी राजधानी बनाया था। कालांतर में यह जिला बिजनौर के नाम से पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। लगभग 449 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले बिजनौर जिले की वर्तमान जनसंख्या 42,66,000 है। इस 42,66,000 में शामिल पुरुषों की जनसंख्या 22,25,000 है और महिलाओं की जनसंख्या 20,40,000 है। वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से बिजनौर जिले में 56% हिंदू, 45% मुसलमान और 7% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। बिजनौर शहर की साक्षरता दर 68% है। बिजनौर शहर में मौजूद प्रमुख शिक्षण संस्थान, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, सरकारी ITI कॉलेज जैसे कई प्रमुख शिक्षण संस्थान शहर में मौजूद हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से बिजनौर शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग तीनों मार्गों से पूर्णतया जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, बिजनौर रेलवे स्टेशन शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पर 3 प्लेटफार्म और 4 ट्रैक मौजूद हैं। इस रेलवे स्टेशन से होकर कई प्रमुख एक्सप्रेस रेलगाड़ियां गुजरती हैं, जो लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, मुंबई जैसे देश के बड़े बड़े शहरों से जोड़ती हैं। सड़क मार्ग, बिजनौर जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 74 और 19 गुजरती है, जो आगे चल के लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, दिल्ली जैसे शहरों को जोड़ती है। और शहर में मौजूद बस अड्डा, जो जिले का प्रमुख बस अड्डा है, यहाँ से नियमित बसों को संचालित किया जाता है। हवाई मार्ग, वैसे तो बिजनौर जिले में कोई हवाई अड्डा मौजूद नहीं है, परंतु बिजनौर शहर का सबसे करीबी हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि दिल्ली में स्थित है। बिजनौर शहर से इसकी दूरी 145 किलोमीटर है। दोस्तों, बिजनौर जिला अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, तो आइए दोस्तों बिजनौर जिले के उन खूबसूरत पर्यटन स्थलों से रूबरू करवाते हैं। पारसनाथ का किला, यह किला बिजनौर जिले का प्रमुख प्राचीन पर्यटन स्थल है। लगभग 25 एकड़ में फैला यह किला आज भी मौजूद है। विदुर कुटी आश्रम, यह स्थान महाभारत काल का सबसे प्राचीनतम स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब कौरवों को समझाने में असफल रहे थे, तो वह गंगा नदी पार करके विदुर कुटी के आश्रम में आए थे। यह स्थल बिजनौर जिले का प्रमुख दार्शनिक स्थल है। सुल्तान किला निजामाबाद, सुल्तान किला निजामाबाद बिजनौर जिले का प्रमुख प्राचीन व ऐतिहासिक किला है और यह किला निजामाबाद में स्थित है। इस ऐतिहासिक किले का निर्माण मुगल सम्राट निजामुद्दीन दौला ने 18वीं सदी में करवाया था। दोस्तों, इसके अलावा बिजनौर जिले में और भी कई पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जिनकी व्याख्या एक वीडियो में करना असंभव है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।